हेलो गाइज, दिस साइड अंकित एंड वेलकम इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में गाइज अपन देखने वाले हैं अपने ICMI इंस्टीट्यूट में अगर अपन रजिस्ट्रेशन करते हैं, चाहे वो अपना फाउंडेशन का हो, इंटरमीडिएट का हो या फिर फाइनल का, उसका अपन स्टेटस कैसे चेक करते हैं। हाल ही में फाउंडेशन एग्जाम होने के बाद इंटरमीडिएट का काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनको प्रॉब्लम आता है कि वो अपना स्टेटस कैसे चेक करें कि उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर पेमेंट में कुछ भी इनकम्प्लीट ना हो। तो इस सारी चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे, जो आपका ऑनलाइन स्टेटस है एडमिशन का, वो कैसे चेक कर सकते हैं। ICMI की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है, जो स्टूडेंट्स का पैनल है यहाँ पर आपको चले आना है। जैसे यहाँ पर आप आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप एडमिशन में आएंगे। एडमिशन पर चले आने के बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाता है ऑनलाइन एडमिशन स्टेटस। तो यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में इस तरीके से आपके सामने कुछ इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपका एक तरीके से पासवर्ड होता है, उसको यूज करेंगे, जो आपकी रजिस्टर्ड है, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ आपको ईमेल आईडी पर आई है, उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर चूज करना है। उसके साथ ही जो आपके एप्लीकेशन नंबर है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है, इंटरमीडिएट का अगर आप एडमिशन करते हैं तो उस टाइम आपकी ईमेल आईडी पर आपको मैसेज आता है, तो उसमें आपके एप्लीकेशन नंबर लिखे होते हैं, तो उनको आप यहाँ से टाइप करेंगे। उसके साथ ही अगर वो नहीं है आपके पास, तो आप अपनी ईमेल आईडी जिससे रजिस्ट्रेशन किए हैं वो ईमेल आईडी आप यहां से डाल सकते हैं। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो जिस मोबाइल नंबर पर आपको OTP मिला है वो मोबाइल नंबर आप यहां से डाल सकते हैं। जैसे इन सब में से आप किसी एक को, तीनों में से एक को डाल के और यहां पर डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद में ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आपके सामने लिखा मिलेगा व्यू डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन इंटरमीडिएट। यहां सबसे पहले स्टूडेंट का नाम होता है, उसके बाद उसके एप्लीकेशन नंबर होते हैं, आप इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आपको याद नहीं है आपने मोबाइल नंबर या फिर जीमेल आईडी से लॉगिन किया है, तो उसके बाद यहां पर आपके सामने आ जाएंगे, इनको आप कहीं पर भी लिख के रख सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपका टर्म आ जाएगा, आपका कौन से टर्म के लिए एग्जाम है, सिलेबस आपका यहां से आ जाएगा, कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन डेट, सिटी, मोबाइल नंबर, कोचिंग टाइप आपने ओरल चूज किया है या फिर पोस्टल, और उसके बाद स्टेटस। यहां पर आपको शो हो रहा है पेमेंट इनकम्प्लीट, यानी कि अभी तक इसमें पेमेंट नहीं किया गया है। नीचे आपको कुछ नोट देख रखते हैं। सबसे पहला है इफ स्टेटस शो पेमेंट एंड अटैचमेंट इनकम्प्लीट, देन क्लिक ऑन द पेमेंट एंड अटैचमेंट इनकम्प्लीट लिंक टू प्रोसीड। यहाँ पर जहाँ आपको पेमेंट इनकम्प्लीट दिखा रहा है, वहाँ अगर आपके डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं होते तो आपको यहाँ पर लंबा सा दिखाता है पेमेंट एंड अटैचमेंट इनकम्प्लीट, उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वहाँ से दोस्तों आपके सामने जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं वो पोर्टल खुल जाता है, और वहाँ से आप डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। सेकेंड, यहाँ से आपके सामने आता है इफ स्टेटस शो पेमेंट इनकम्प्लीट देन क्लिक ऑन द पेमेंट इनकम्प्लीट लिंक टू प्रोसीड। अभी यहां अपन को पेमेंट इनकम्प्लीट दिखा रहा है, अभी जैसे ही अपन इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद अपने सामने पेमेंट के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। जैसे अभी अपन देखते हैं, ये अपने सामने एप्लीकेशन डिटेल अपन ने कंप्लीट फिल कर दी, अटैचमेंट अपन ने लगा दिए हैं, पेमेंट डिटेल अपना अभी हाईलाइट नहीं है, यानी कि ग्रीन नहीं है, तो यहां पर अपन ने ये अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो ये अपन को कंप्लीट करना होता है। उसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन अपन को यहाँ से मिलता है इफ स्टेटस शो अप्लाइड मीन्स योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर अगर आपको अप्लाइड ऑप्शन लिखा मिलता है तो उसका मतलब है आपका एप्लीकेशन है वो सबमिटेड हो चुका है, सक्सेसफुली हो चुका है। और लास्ट जो आपका ऑप्शन होता है वो यहाँ से होता है इफ स्टेटस शो प्रोसीस्ड मीन्स योर एप्लीकेशन हैज बीन कम्प्लीटेड, डाउनलोड योर आइडेंटिटी कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन लेटर। आप यहां से अपना एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन लेटर डाउनलोड कर पाएंगे जब आपका यहां पर जो स्टेटस है वो प्रोसीसेड लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद आपको वहां से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाते हैं, एप्लीकेशन नंबर आपको यहीं से भी मिल गए हैं, लेकिन वहां से भी आपको अपना जो एडमिट कार्ड है या फिर जो रजिस्ट्रेशन लेटर आप बोलते हैं वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जो आपका स्टेटस प्रोसेस्ड का होता है तो उसमें 2 से 3 वर्किंग डेज का टाइम लग जाता है, तो उसके लिए दोस्तों आपको बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप इजीली अपना आइडेंटिटी कार्ड और रजिस्ट्रेशन लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। तो भाई मैंने आपको ये सारा प्रोसेस बता दिया है, इसके अलावा भी अगर आपको CMA से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है देन आप हमारे इंस्टाग्राम पेज CMA यूनिटी को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा, तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं, जहां हम रेगुलर अपडेट CMA से रिलेटेड डालते रहते हैं और वहां पर आपको स्टडी से रिलेटेड PDF वगैरह भी मिलते रहते हैं। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों से। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।